चैनल से कोई और चैनल से अलग अलग है। रेडी सुशील भाई, रेडी, होल्ड होल्ड होल्ड, आप लोग रेडी है? करने हैं कि कुछ और देखने हैं? नहीं, बस दोनों ही देखने। आप आइए, मैं आपसे पंजा लड़ाता हूँ। बिल्कुल, मेरी तो मतलब मैं तो 1/4 भी नहीं हूँ। तभी तो मजा आएगा। नहीं, तब मजा नहीं आएगा। हमेशा कमजोरों को पकड़ना चाहिए। नहीं, हमेशा ताकतवरों को नहीं। बिल्कुल ताकतवरों को। हम लोग अभी 2 किलो ही नहीं है, वही इनका 2.5 किलो का। मतलब डर गए आप लोग? बात डरने की थोड़ी ना, आप लोगों को तो खबर चाहिए कैसे भी कुछ भी चीज़ करके उसका मैं कुछ ऐसा करें। इसमें कोई स्पाइसी और कोई बहुत अच्छा लगा। मैंने एक एपिसोड भी देखा था आने से पहले, वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज, एंड फिर पता चला कि इट्स बीन देयर फॉर 16 इयर्स। 16 इयर्स मीन्स उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा कि इनका टाइम भी रहा हूँ इतने सालों से धक्का इससे लेकर आज तक। सो और वाकई इनका ये जो स्वभाव है, जो रियली अफेक्ट्स यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इट्स फन वर्किंग विद हिम। हमारे ऐसे ही हैं ये अर्दी, एब्सोल्युटली ना इनमें कोई एयर है या कुछ है, तो अच्छा लगता है। और इसी बहाने वी गेट अ चांस यू नो टू इंटरमिंगल, बात करने, मिलना, देखना, समझ में आता नहीं तो हम कहीं होते हैं, आप लोग कहाँ होते? कुछ बारे में CID तो वैसे ही क्राइम थ्रिलर है, और सर की फिल्म जो आ रही है सिंह साहब द ग्रेट, अगेन वो भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एंड समथिंग टू डू अबाउट क्राइम, एंड जैसे CID जो शो है उसी बेस पर है। तो ये एक प्रमोशन के हिसाब से यहाँ पे एक जेल का सीक्वेंस हो चुका है, अभी क्लाइमैक्स सीन है जहाँ पे सर हमको हेल्प कर रहे हैं टू सॉल्व द क्राइम, और ये क्लाइमैक्स सीन है एपिसोड का। सर सनी जी, सनी जी, अभी यहाँ पे देखिए सर।